हेलो हेलो गाइस, गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का हमारा जो लंच है, इसे लंच ही बोलेंगे गाइस। तो कल हमारा जितिया था, तो आज जितिया का पारण हो गया है। तो पारण में आज हमारे घर में, झारखंड में तो बहुत ही धूमधाम से जितिया मनाया जाता है। आप लोग को पता होगा, बिहार और झारखंड का तो क्या कहना है जितिया का। तो हमारे घर में जितिया में बनता है, तो ये है बासमती राइस, लाल साग, मतलब जो भी हमारा है ना, ये एकदम मस्त होता है, बनाना ही है आपको। तो हमने बनाया है लाल साग, कोहड़ा का सब्जी है मीठा वाला, भिंडी का भुंजिया, ये काला चना का कचरी, हम मेरा फेवरेट, और ये है पकौड़ी, प्याज का हमने पकौड़ी बनाया है, और ये है फुलौड़ा, ये उड़द का बनता है, और खट्टा लगता है, तीखा लगता है, बहुत ही टेस्टी होता है। और ये तो आप लोग को पता होगा, मड़ुआ का रोटी, ये तो एकदम, मतलब इसके बिना जितिया कर ही नहीं सकते हैं। तो ये बहुत मस्त है। और ये है बोदी और आलू का सब्जी, ये है आलू और पत्ता गोभी का सब्जी, ये है झिंगी और झींगी का चना, चना का सब्जी, और ये है आलू आलू गोभी, फूलगोभी का सब्जी, और ये है कंदा का चोखा भरता, और ये है कढ़ी बड़ी। तो ये हमारा आज का लंच हो गया। तो हाँ, लंच ही हो गया, 12:30 हो गया, तो लंच ही हो रहा है ना। तो सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है, सिर्फ यही हमारा बनाते बनाते ही आज इतना लेट हो गया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन लास्ट में हम दो कमेंट पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले गाइस, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ कर लीजिए, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो हेलो चलिए स्टार्ट करते हैं, और मेरे साथ है गाइस। आप लोग के पसंदीदा तो चलिए स्टार्ट। इतना सारा हमारे घर में बनता है ना, मतलब हमारे घर नहीं, यहाँ झारखंड में, बिहार में तो सभी के घर में बनता है। तो मतलब आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या खाए और क्या ना खाए। एक साल में एक बार इतना आइटम खा लेना है, एक बार अच्छा भी तो है। तो गाइस, कट गया था मेरा बीच में, पता नहीं चला कैसे कट गया, मेरा फ़ोन आ रहा था किसी का। तो कोई नहीं, चलिए, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, अब स्टार्ट करेंगे। लीजिए इसको, खाइए। पता नहीं क्या लिए क्या नहीं लिए, समझ में नहीं आ रहा सब में से घुमा दिए, हाथ ले लीजिए। वही करेंगे। वो ले लिए पीस में। हाँ ये है ना, बहुत ही टेस्टी बनता है। मेरे घर ना बच्चे भी इसे पसंद करते हैं। साल में एक बार मड़ुआ का रोटी खाने को मिलता है। हाँ।
ना। इसमें हमने ना सब कुछ डाल के बनाया था, मड़ुआ कांटा था, कंदा था, झिंगी था, धनिया पत्ता था, चना साग था, साग नोनी का था। साग था, सब कुछ। बड़ी तो अच्छा कढ़ी अच्छा बना। खाना से भी बहुत टेस्टी बना, बहुत लाजवाब। बस यही है ना, खाना आज बहुत ज़्यादा अटकता है। इसलिए पानी की ज़्यादा जरूरत। हाँ सर्दी हो गया। खाना अच्छा बना ना, बहुत टेस्टी लग रहा है। बहुत टेस्टी। मजा आ रहा है। बहुत मजा। थोड़ा ही थोड़ा इतना सारा सामान हो जाता है ना। बहुत ज्यादा होता है।
कुछ चाहिए चावल वावल? इतना सारा आइटम सभी को खत्म करना पड़ता, छोड़ नहीं सकते। अगर खाना टेस्टी ना बने ना तो खिलाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब खाना अच्छा बनता है तो आराम से ख़त्म हो जाता है। इसीलिए तो टेस्टी बनता है। मेरा पेट तुम फूलो ना, खाने में वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है गाइस, तो हम तब तक इसे खाना ख़त्म करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं कमेंट के टाइम पे। तो गाइस हमारा खाना ख़त्म हो गया और अब है कमेंट की बारी। तो पहला कमेंट है खुश सिंह, ये खुश सिंह है, ये लिखते हैं वाराणसी से आपकी वीडियो देखती हूँ डेली, आई विश आप हमेशा खुश रहें और आपकी फैमिली ज़िंदगी भर आपको ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करे। थैंक यू सो मच, आप इतना बात लिखती हैं, सोच रही हैं और लिखी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है गाइस। और खुश सिंह आप हमें वाराणसी से देख रही हैं, हमें और भी अच्छा लगा। चलिए, हाँ भोले बाबा की नगरी है जिन्हें हम बहुत ही ज़्यादा पूजते हैं। तो बस ऐसे ही आप अपना कमेंट हमें लिखते रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। तो चलिए अब हम दूसरा कमेंट पढ़ते हैं, ये है आशा। तो आशा जी लिखती हैं आपकी सारी वीडियो बहुत अच्छी होती है, भगवान करे आपको जल्दी ही कामयाबी मिल बहुत जल्दी आपको कामयाबी, लाखों में लोग फॉलो करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, अगर आप लोग का प्यार और सपोर्ट रहा गाइस तो ज़रूर मिलेगा, ये हमें उम्मीद है। बस आप लोगों से हमें उम्मीद है कि आप लोग अगर हमारा मेरा अपना अगर प्यार हमें देते रहिएगा और सपोर्ट देते रहिएगा तो बहुत जल्द ये कामयाबी हमें मिलेगी। अगर आप लोग का सपोर्ट नहीं रहेगा तो कैसे होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो चलिए प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, थैंक यू। तो ये अब आज
कमेंट है गाइस, 3 कमेंट हम, मतलब ये तीसरा कमेंट हम बिना पढ़े रह नहीं सके, इस वजह से हमें ये तीसरा कमेंट लेना पड़ा। तो ये है मोना कौर जी का, तो ये लिखती हैं नाइस कपल, थैंक यू। थैंक और फिर लिखती हैं मैम प्लीज़ प्रे मेरे मेरा बच्चा ठीक ठाक हो जाए, माय फर्स्ट प्रेगनेंसी है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से हो जाए। माँ बनना बहुत ही बड़ी बात होती है गाइस, हम हमारे ज़िंदगी में और कुछ नहीं है, हमारा बस पति और बच्चा, यही हमारा जीवन है, समट के इसी में हम लोग रह जाते हैं। तो चलिए हम भी चाहेंगे कि आपका बच्चा बहुत जल्द इस दुनिया में आए और आपके साथ प्यार से रहे। तो देखिए हमें भी बहुत अच्छा खुशी लगेगा, और आप जब आपका पहला बेबी हो जाए तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपका पहला बेबी क्या हुआ, हमें सुन करके भी अच्छा लगेगा। अगर लड़का हुआ तो भी बहुत अच्छी बात है, लड़की हुई तो और अच्छा बात है, लड़की हमें बहुत पसंद है गाइस, इसलिए हम लड़की अगर होती है तो हमें बहुत खुशी होती है। पर आपका मनोकामना जो आप चाहें वही भगवान आपको दे। तो चलिए ये 3 कमेंट हो गया हम आपसे। अब गाइस आप लोग एक चीज़ और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ आप लोग ये जो बोलते हो ना कि आज जितिया है तो आज तीज है, आपने ये वीडियो आप डाल दिए, ये वीडियो आप आज खाना खा लिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस। हम भी व्रत करते हैं, ऐसा नहीं, अभी नवरात्र आ रहा है तो नवरात्र में भी हमारा फास्ट होगा पूरा 9 का 9 दिन, तो उसमें भी वीडियो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हमने नॉनवेज खा लिया या फिर खाना खा लिया, ऐसा नहीं होता है, हम भी व्रत करते हैं और सारा ही व्रत करते हैं, ऐसा नहीं है। जितना भी हमारे व्रत है शिवरात्रि से लेकर के सोमवारी से लेकर के, ये मतलब सारा ही हमारा है, तो हम इसमें नहीं कह सकते कि हम कौन सा करते हैं और कौन सा नहीं करते हैं, सारा ही व्रत हम करते हैं, उसके लिए वीडियोस पहले से ही पहले बनाते से ही हैं, बना रखा करके जाता रख है लेते हैं ताकि गाइस। उस समय हमें परेशानी ना हो, तो आप लोग वीडियो देखते थोड़ा सा आप रहें। लोग समझिए इस बात को, आप लोग उस दिन हम वीडियो डाल देते हैं नहाए खाए के, मतलब ट्यूसडे को हमने वीडियो डाला था नॉनवेज का, तो आप लोगों को लगा कि जैसे हमने जितिया नहीं किया, तो आप लोग पूरा कमेंट करने लगे कि आज जितिया है, आज जितिया है, नहाए खाए है, तो ऐसा नहीं होता है। तो चलिए हम आपसे फिर मिलते हैं गाइज, अगर मेरी बात आपको बुरी लगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आपको हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तो चलिए हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। बाय।